हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर ने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं, तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी प्लस एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्राह्मणंदम और सबराजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी समोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहां पर मूवीज़ देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक उसी के साथ साथ विनोदयाम्भू शिवा शैंबू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिगल जंदा पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ़्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर ईजीली इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 88 परसेंट तक लाइक किया गया एंड इसकी आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है, 7 जो है।, साथ साथ जो है वो जी आउट ऑफ़ टेन जो कि काफी अच्छी रीमेक बनाया गया है, जी। सितम का रीमेक है जो कि खुद समुथी रिकानी की मूवी है जी हाँ उन्हीं की यहां पर मूवी बनाई गई है एंड ये मूवी जो है वो उसी का ही ऑफिशियल

अच्छी मूवी भी बनाई गई है हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हम इसमें इस क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी प्लस एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्रह्मानंदम और अब राजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी समोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है है, जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहां पर मूवीज देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट विनोद विनोदया सीथम उसी के साथ साथ शैम्बू शिवा शैम्बू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिग्गल जंदा पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ़्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर ईजीली इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ एटी एट परसेंट तक लाइक किया गया एंड इसकी आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसकी स्टोरी लाइन को जो है वो कहाँ पर रखा गया एंड किसने बनाया इसकी स्टोरी लाइन को तो ये मूवी जो है वो ऑफिशियली रीमेक बनाया गया है जी विनोदया सितम मूवी का ये ऑफिशियल रीमेक है जो कि खुद समुथी रिकानी की मूवी है जी हाँ ये उन्हीं की यहाँ पर मूवी बनाई गई है एंड ये मूवी जो है वो उसी का ही ऑफिशियल

अच्छी मूवी भी बनाई गई है। हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुज़ारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी plus fantasy plus एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्रह्मानंदम और सबराजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी समोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहां पर मूवीज़ देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक उसी के साथ साथ विनोदयाम्भू शिवा शैंबू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिगल जंदा पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ़्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर कर ईज़िली इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ 88% परसेंट तक लाइक किया गया एंड इसकी आई एम जो, है है जो कि काफी अच्छी खासी के साथ साथ रखा गया एंड किसने बनाया इसकी स्टोरी को तो ये जो है वो ऑफिशियली रीमेक बनाया गया है, जी सितम का रीमेक है जो कि खुद समुथी रिकानी की मूवी है जी हाँ ये की यहाँ पर मूवी बनाई गई है एंड ये मूवी जो है वो उसी का ही ऑफिशियल

अच्छी मूवी भी बनाई गई है हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी प्लस एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्रह्मानंदम और सबर राजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी समोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहां पर मूवीज देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक विनोदया सीथम उसी के साथ साथ शैम्बू शिवा शैम्बू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिग्गल जंदा पाई काफी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर ईजीली इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 88 परसेंट तक लाइक किया गया एंड इसकी आई ऑफ डी जो, है है जो कि काफी अच्छी खासी के साथ साथ एंड कि किसने बनाया इसकी को तो ये जो है वो ऑफिशियली रीमेक बनाया गया है जी ऑफिशियल रीमेक है जो कि खुद समुथी रिकानी की मूवी है जी हाँ उन्हीं की यहाँ पर मूवी बनाई गई है एंड ये मूवी जो है वो उसी का ही ऑफिशियल

अच्छी मूवी भी बनाई गई है। हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी plus fantasy plus एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्राह्मणंदम और सबराजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी अमोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहाँ पर मूवीज़ देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक विनोदया सीथम उसी के साथ साथ शैम्बू शिवा शैंबू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिगल जंदा पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ़्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर ईजीली इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एट लीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ एटी एट परसेंट तक लाइक किया गया एंड इसकी आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसकी स्टोरी लाइन को जो है वो कहाँ पर रखा गया एंड किसने बनाया इसकी स्टोरी लाइन को तो ये मूवी जो है वो ऑफिशियली रीमेक बनाया गया है जी विनोदया सितम मूवी का ये ऑफिशियल रीमेक है जो कि खुद समुथी रिकानी की मूवी है जी हाँ ये उन्हीं की यहाँ पर मूवी बनाई गई है एंड ये मूवी जो है वो उसी का ही ऑफिशियल

अच्छी मूवी भी बनाई गई है हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन

ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी प्लस एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्राह्मणंदम और सबराजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी समोथी रिकानी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास मूवीज पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी, अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहाँ पर मूवीज देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक विनोदया सीथम उसी के साथ साथ शैम्भू शिवा शैम्बू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिगल जंदा पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ़्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर ईजीली इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एट लीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ

अच्छी मूवी भी बनाई गई है। हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका चैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हम इसमें इस क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी plus एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्राह्मणंदम और सबराजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी समोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहां पर मूवीज़ देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक उसी के साथ साथ शैम्बू शिवा शैम्बू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिगल जंदा पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ़्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर ईजीली इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 88 परसेंट तक लाइक किया गया एंड इसकी आईएमडीबी रेटिंग जो है आउट ऑफ डी जो कि काफी अच्छी खासी के साथ साथ रीमेक बनाया, तो बनाया गया है जी ऑफिशियल रीमेक है जो कि खुद समुथी रिकानी की मूवी है जी हाँ उन्हीं की यहाँ पर मूवी बनाई गई है एंड ये मूवी जो है वो उसी का ही ऑफिशियल

अच्छी मूवी भी बनाई गई है हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी प्लस एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्रह्मानंदम और अब राजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी समोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है है, जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहां पर मूवीज देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट विनोद विनोदया सीथम उसी के साथ साथ शैम्बू शिवा शैम्बू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिग्गल जंदा पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ़्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर ईजीली इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ एटी एट परसेंट तक लाइक किया गया एंड इसकी आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसकी स्टोरी लाइन को जो है वो कहाँ पर रखा गया एंड किसने बनाया इसकी स्टोरी लाइन को तो ये मूवी जो है वो ऑफिशियली रीमेक बनाया गया है जी विनोदया सितम मूवी का ये ऑफिशियल रीमेक है जो कि खुद समुथी रिकानी की मूवी है जी हाँ ये उन्हीं की यहाँ पर मूवी बनाई गई है एंड ये मूवी जो है वो उसी का ही ऑफिशियल

अच्छी मूवी भी बनाई गई है हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुज़ारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी प्लस एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्रह्मानंदम और सबराजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी समोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहां पर मूवीज़ देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक उसी के साथ साथ विनोदयाम्भू शिवा शैंबू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिगल दिग्गल पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ़्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर कर ईज़िली इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एट लिस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ 88% परसेंट तक लाइक किया गया एंड इसकी आई ऑफ डी जो, है है जो कि काफी अच्छी खासी के साथ साथ रखा गया एंड किसने बनाया इसकी को तो ये जो है वो ऑफिशियली रीमेक बनाया गया है जी ऑफिशियल रीमेक है जो कि खुद समुथी रिकानी की मूवी है जी हाँ ये की यहाँ पर मूवी बनाई गई है एंड ये मूवी जो है वो उसी का ही ऑफिशियल

अच्छी मूवी भी बनाई गई है हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने ने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी प्लस एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्रह्मानंदम और सबर राजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी समोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहाँ पर मूवीज देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक विनोदया सीथम उसी के साथ साथ शैम्बू शिवा शैम्बू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिग्गल जंदा पाई काफी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ़्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ़्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर ईजीली इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबार डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 88 परसेंट तक लाइक किया गया एंड इसकी आउट ऑफ डी जो, जो कि काफी अच्छी खासी के साथ साथ लाइन को जो है वो कहां पर रखा गया एंड किसने बनाया इसकी को तो ये जो है वो ऑफिशियली रीमेक बनाया गया है जी ऑफिशियल रीमेक है जो कि खुद समुथी रिकानी की मूवी है जी हाँ उन्हीं की यहाँ पर मूवी बनाई गई है एंड ये मूवी जो है वो उसी का ही ऑफिशियल

अच्छी मूवी भी बनाई गई है। हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी प्लस एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्रह्मानंदम और राजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी समोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहां पर मूवीज देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट विनोद विनोदया सीथम उसी के साथ साथ शैम्बू शिवा शैंबू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिग्गल जंदा पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ़्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर ईजीली इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एट लीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ 88% परसेंट तक लाइक किया गया एंड इसकी आउट ऑफ डी जो रेटिंग है है काफी अच्छी खासी है। साथ साथ हम बात करते चलें कि इसकी स्टोरी लाइन को जो है वो कहां पर रखा गया किसने बनाया इसकी को तो ये मूवी जो है वो ऑफिशियली रीमेक बनाया गया है जी विनोदया सितम मूवी का ये ऑफिशियल रीमेक है जो कि खुद समुथी रिकानी की मूवी है जी हाँ ये उन्हीं की यहाँ पर मूवी बनाई गई है एंड ये मूवी जो है वो उसी का ही ऑफिशियल

अच्छी मूवी भी बनाई गई है हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन

ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी plus एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्राह्मणंदम और सबराजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी समोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहाँ पर मूवीज देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक उसी के साथ साथ शैम्बू शिवा शैंबू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिगल जंदा पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ़्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर ईजीली इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एट लीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ

अच्छी मूवी भी बनाई गई है। हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका चैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं, तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी प्लस एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्राह्मणंदम और सबराजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी अमोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहां पर मूवीज़ देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सितम उसी के साथ साथ शैम्बू शिवा शैंबू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिगल जंदा पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ़्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर ईजीली इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ

अच्छी मूवी भी बनाई गई है हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी प्लस एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्रह्मानंदम और बर राजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी समोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है है, जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहां पर मूवीज देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट जैसे विनोदया शैम्बू शिवा शैम्बू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिग्गल जंदा पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ़्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर ईजीली इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ एटी एट परसेंट तक लाइक किया गया एंड इसकी आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इसकी स्टोरी लाइन को जो है वो कहाँ पर रखा गया एंड किसने बनाया इसकी स्टोरी लाइन को तो ये मूवी जो है वो ऑफिशियली रीमेक बनाया गया है जी विनोदया सितम मूवी का ये ऑफिशियल रीमेक है जो कि खुद समुथी रिकानी की मूवी है जी हाँ ये उन्हीं की यहाँ पर मूवी बनाई गई है एंड ये मूवी जो है वो उसी का ही ऑफिशियल

अच्छी मूवी भी बनाई गई है। हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुज़ारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी प्लस एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्राह्मणंदम और सबराजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे चीच एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी समोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहां पर मूवीज़ देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक उसी के साथ साथ विनोदयाम्भू शिवा शैंबू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिगल दिग्गल पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ़्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर कर ईज़िली इंजॉय कर सकते हैं you काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को ऐटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से एट परसेंट तक लाइक किया गया एंड इसकी आई रेटिंग जो है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इसकी स्टोरी लाइन को जो है वो कहाँ पर रखा गया एंड किसने बनाया इसकी स्टोरी लाइन को तो ये मूवी जो है वो ऑफिशियली रीमेक बनाया गया है जी विनोदया सितम मूवी का ये ऑफिशियल रीमेक है जो कि खुद समुथी रिकानी की मूवी है जी हाँ ये उन्हीं की यहाँ पर मूवी बनाई गई है एंड ये मूवी जो है वो उसी का ही ऑफिशियल रीम

मूवी भी बनाई गई है हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर ने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हम इसमें इस क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी plus fantasy plus एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्रह्मानंदम और सबराजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी समोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहां पर मूवीज़ देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक उसी के साथ साथ शैम्बू शिवा शैंबू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिगल जंदा पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ़्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर ईजीली इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ

अच्छी मूवी भी बनाई गई है। हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी प्लस एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्राह्मणंदम और सबराजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी अमोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहाँ पर मूवीज़ देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक विनोदया सीथम उसी के साथ साथ शैम्बू शिवा शैंबू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिगल जंदा पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ़्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर ईजीली इंजॉय कर सकते हैं and काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एट लीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से

मूवी भी बनाई गई है हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुज़ारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी plus एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्राह्मणंदम और सबराजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी समोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहाँ पर मूवीज देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक उसी के साथ साथ विनोदयाम्बू शिवा शैंबू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिगल जंदा पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ़्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर कर ईज़िली इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एट लीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ एटी एट परसेंट तक लाइक किया गया एंड इसकी आई ऑफ डी जो, है है जो कि काफी अच्छी खासी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इसकी स्टोरी लाइन को जो है वो कहां पर रखा गया एंड किसने बनाया इसकी स्टोरी लाइन को तो ये मूवी जो है वो ऑफिशियली रीमेक बनाया गया है जी विनोद मूवी का ऑफिशियल रीमेक है जो कि खुद समुथी रिकानी की मूवी है जी हाँ उन्हीं की यहाँ पर मूवी बनाई गई है एंड ये मूवी जो है वो उसी का ही ऑफिशियल

अच्छी मूवी भी बनाई गई है। हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्ज इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं, तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी प्लस एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्रह्मानंदम और सबराजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी अमोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहाँ पर मूवीज देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक विनोदया सीथम उसी के साथ साथ शैम्बू शिवा शैम्बू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिगल जंदा पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तो लोगों दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहां पर जाकर ईजिली इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को ऐट लीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से

भी बनाई गई है हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जैनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी plus एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्राह्मणंदम और सबराजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी अमोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहाँ पर मूवीज़ देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट जैसलाइक विनोदया सीथम उसी के साथ साथ शैम्बू शिवा शैम्भू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिगल जंदा पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ़्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर ईजीली इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ एटी एट परसेंट तक लाइक किया गया एंड इसकी आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इसकी स्टोरी लाइन को जो है वो कहाँ पर रखा गया एंड किसने बनाया इसकी स्टोरी लाइन को तो ये मूवी जो है वो ऑफिशियली रीमेक बनाया गया है जी विनोदया सितम मूवी का ये ऑफिशियल रीमेक है जो कि खुद समुथी रिकानी की मूवी है जी हाँ ये उन्हीं की यहाँ पर मूवी बनाई गई है एंड ये मूवी जो है वो उसी का ही ऑफिशियल

अच्छी मूवी भी बनाई गई है। हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी प्लस एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्राह्मणंदम और सबराजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी समोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहां पर मूवीज देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट विनोद विनोदया सीथम उसी के साथ साथ शैम्बू शिवा शैंबू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिगल जंदा पाई काफी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तो लोगों दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर ईजिली इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को ऐटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से एट परसेंट तक लाइक किया गया एंड इसकी आई ऑफ डी जो, है है जो कि काफी अच्छी खासी आई साथ साथ स्टोरी लाइन को जो है ऑफिशियली तो रीमेक बनाया गया है जी विनोदया सितम मूवी का ये ऑफिशियल रीमेक है जो कि खुद समुथी रिकानी की मूवी है जी हाँ ये उन्हीं की यहाँ पर मूवी बनाई गई है एंड ये मूवी जो है वो उसी का ही ऑफिशियल

मूवी भी बनाई गई है हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं, तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी प्लस एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्राह्मणंदम और सबराजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी समोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहां पर मूवीज़ देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक उसी के साथ साथ विनोदयाम्भू शिवा शैंबू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिगल जंदा पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ़्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर ईजीली इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 88 परसेंट तक लाइक किया गया एंड इसकी आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है, 7 जो है।, साथ साथ जो है वो जी आउट ऑफ़ टेन जो कि काफी अच्छी रीमेक बनाया गया है, जी। सितम का ये है जो कि खुद समुथी रिकानी की मूवी है जी हाँ ये की यहां पर मूवी बनाई गई है एंड ये मूवी जो है वो उसी का ही ऑफिशियल

अच्छी मूवी भी बनाई गई है। हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी प्लस एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्राह्मणंदम और सबराजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी अमोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहाँ पर मूवीज़ देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट विनोद विनोदया सीथम उसी के साथ साथ शैम्बू शिवा शैम्बू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिगल जंदा पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहां पर जाकर ईजिली इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एट लीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से

मूवी भी बनाई गई है हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुज़ारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ब्रो के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कॉमेडी प्लस फैंटेसी प्लस एक्शन जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर प्ले किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को पवन कल्याण देखने को मिल जाएंगे साई धर्म तेज कैतिका शर्मा प्रिया प्रकाश वैरियर और उसी के साथ साथ ब्राह्मणंदम और सबराजू देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी समोथी रिकानी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स की यहां पर मूवीज़ देखने को मिलेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक उसी के साथ साथ विनोदयाम्भू शिवा शैंबू अप्पा और उसी के साथ साथ नादो दिगल जंदा पाई कपी राजू ऐसी बहुत सारी मूवीज उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई हैं उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज़ में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ़्लिक्स पर जी हाँ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर कर ईज़िली इंजॉय कर सकते हैं you काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को ऐटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से एट परसेंट तक लाइक किया गया एंड इसकी आई रेटिंग जो है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसकी स्टोरी लाइन को जो है वो कहाँ पर रखा गया एंड किसने बनाया इसकी स्टोरी लाइन को तो ये मूवी जो है वो ऑफिशियली रीमेक बनाया गया है जी विनोद सितम मूवी का ये ऑफिशियल रीमेक है जो कि खुद समुथी रिकानी की मूवी है जी हाँ ये उन्हीं की यहाँ पर मूवी बनाई गई है एंड ये मूवी जो है वो उसी का ही ऑफिशियल रीम

मूवी भी बनाई गई